जोगिंदरनगर उपमंडल में नवरात्रों के चलते मां सिमसा संतानदात्री का दरबार सज गया। मां सिमसा केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। खासकर नवरात्रि में मां के मंदिर में खासी रौनक देखने को मिलती है। मां सिमसा का मंदिर मंडी जिला लड़भड़ोल क्षेत्र में है। चकाचक सड़क सुविधा के साथ मंदिर का भव्य परिसर जहां हर सुविधा आसानी से मिल जाती है। मां सिमसा का मंदिर जोगिंद्रनगर विधानसभा की सिमस पंचायत में है। पंचायत प्रधान विवेक जसवाल के अनुसार नवरात्रि के दौरान आने वाले हर श्रद्धालु के लिए युवक मंडल सिमस 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहता है। युवक मंडल सुबह 5 बजे की चाय से लेकर हर भोजन की व्यवस्था करता है तथा रहने का भी पूरा प्रबंध युवक मंडल द्वारा किया जाता है। ये सारी व्यवस्था निशुल्क रहती है। आपको काफी पीछे ले जाना चाहता हूँ, लगभग 450-500 वर्ष पहले की बात है ये, जब इस माँ की जो है उत्पत्ति हुई थी। ये पिंडी रूप में विराजमान है। हमारे इधर स्थानीय भाषा में एक लोकल में एक सब्जी निकलती है होली शिवरात्रि के समय पे, तरडी नाम की। उसकी खुदाई करने के लिए एक व्यक्ति गया था, तो उसी दौरान ये माँ सिमसा की जो है पिंडी खुदाई के दौरान निकली थी और माँ सिमसा ने प्रकट होने के उसके सपने में प्रकट हुई थी कि वहाँ मेरी पिंडी है और उसे आप निकाल के लाइए। फिर जैसे ही उसे डोली में डालकर लाया गया था और माँ सिमसा ने यह भी साथ में आदेश दिया था कि जहाँ मुझे अच्छा स्थान लगेगा वहाँ मैं स्वयं विराजमान हो जाऊँ, तो जैसे यहाँ विश्राम के लिए वो रुकते हैं तो ये पिंडी समेत डोली ही जो है जमीन में समा जाती है, सिर्फ ये अंश जो है दर्शनों के लिए रह जाता है। जय माता सिमसा। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं 2 तारीख से माँ सिमसा के नवरात्रे बड़े धूमधाम से ग्राम पंचायत सिमस में मनाए जा रहे हैं। आप सभी को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि पूरे 10 दिन 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक युवक मंडल सिमस में विशाल भंडारों का आयोजन किया जाएगा। समस्त श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएं, जिसके लिए पूरी युवक मंडल की टीम, ग्राम पंचायत की टीम और समस्त महिला मंडल आपके सहयोग के लिए यहाँ तत्पर रहेंगे। मंगलवार को माता सिमसा का एक जागरण युवक मंडल की तरफ से करवाएंगे, जिसमें भी सभी यहाँ आमंत्रित हैं। जय माता दी। जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।